हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे सुबह में 102 टाइम चाय पीने की आदत है, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। और इस वक्त बज रहे हैं 11:30, और जो कि हमें खाना बनाना है, तो चलो तैयारी करते हैं। तो मैंने कट करके रखे हैं प्याज, और मैं बनाने जा रही हूँ मटर पुलाव। और ये कुछ गर्म मसाले हैं, और डाल दिया है मैंने तेल, हरी मिर्ची है, टमाटे है, प्याज है। मुझे मटर पुलाव बहुत पसंद है, और यहाँ भीग रहे हैं मेरे मटर। चलो बनाते हैं। मैंने डाल दिए है प्याज, जो कि मुझे फ्राई करनी है हल्की गुलाबी, और थोड़ी सी मुझे ब्राउन करके भी निकालनी है ऊपर गार्निश के लिए। और इसे मैंने मीडियम आंच पे रखा है। और यहाँ मैंने डाल दिया है सब मसाला, जैसे कि अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटे, मिर्ची, मटर, गरम मसाले। यहाँ मैं अपना मसाला फ्राई कर रही हूँ, और ये हो चुका है। यहाँ हमने डाल दिया है उसमें पानी, और पानी में जोश आने के बाद मैंने उसमें डाल दिए हैं चावल, और इन्हें हल्के हल्के हाथ से चलाना है। सर्दियों में मटर पुलाव का अपना ही एक मज़ा होता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है खाने में। और ये देखिए, अब मैं इसे थोड़ा दम पे रख दूँगी ताकि ये हो जाए। ये 90% तो हो गए हैं, 1% बाकी है। बन गए हैं हमारा मटर पुलाव, और देखिए इसे मैंने ऊपर गार्निश कर दिया है। तो इसे ढक के रख देते हैं। और अब मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी। तो ये मैंने टमाटर कट कर दिए हैं, और ये चटनी हमारी तैयार हो गई है, रेडी हो गई है। थोड़ा सा हमने बनाई है मिक्स सब्जी और रोटी। फ्रेंड, बन चुका है हमारा खाना। तो हमने रोज़ की तरह अपना किचन भी क्लीन कर लिया है, ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रहमत नाज, और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी छोटी सी जिंदगी में। फ्रेंड, इस टाइम हो चुका है दोपहर का खाना, और हम लोग काफ़ी देर से बैठे थे, और बच्चे बहुत सता रहे थे, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाए। अब बनाए हैं, और अब हो चुका है शाम का टाइम, जो कि शाम की चाय का टाइम है। और देखिए, खाने और आखिर सो गए हैं। और आज क्योंकि हमने बनाया था मटर पुलाव, क्योंकि आज बहुत दिन से चिकन खा के हम लोग बोर हो चुके थे, तो सोचा थोड़ा सिंपल सा खाना बना लेते हैं। तो हमने बना लिया सिंपल सा खाना, जो कि हम दोपहर में खा चुके हैं, जो कि माशाल्लाह अच्छा बना था, जैसा हमेशा की तरह बनता है। ये देखिए, आहिल भी सो चुका है, हानिया भी सो चुकी है, अब ये लोग पता नहीं कब उठेंगे। पी रहे हैं शाम की चाय, और ये देखिए मेरी चाय पी लेते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आए हम सोनी की जिठानी के घर, जो कि नसरिन भाभी के घर है, और उन्होंने बड़े ही प्यारे से बदक के बच्चे पाल रखे थे। तो बच्चे बहुत ही खुशी से देख रहे थे, और हानिया तो पकड़ भी ले रही थी उन्हें। ये देखिए, ये मुर्गी के बच्चे नहीं, ये बदक के बच्चे हैं। अस्सलामुअलैकुम, जैसे कि मैं आई हूँ अपनी बहन के घर, और देखो ये मेरी बहन सोनी, और जी ये है उनकी देवरानी, ये उनकी छोटी देवरानी है, और जी उन मेरी बहन की दो जिठानियाँ भी हैं, वो अलग रहते हैं। वो लोग मैं गई थी, पर कैमरा साथ में नहीं लेके गई, क्योंकि हानिया मेरे पास होती है तो इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं शूट भी करूँ और उसे भी लूँ। उसे देखो कितनी हंसी आ रही है, उसे हंसी यू आ रही है, ये जो है ना, ये चेहरा बना रहे हैं अजीब अजीब से, इसलिए उसे हरी हंसी आ रही है। ये देखो, और मैं आई हूँ यहाँ खाने पे, क्योंकि मुझे खाने की दावत है। आप लोग सोचेंगे बस इसे दावत ही खाती हुई है, तो क्या करें, अब आए हैं तो दावत तो खानी पड़ेगी। तो खाना खा लेते हैं, मिलते हैं आपसे। और जी मैं खामोशी में उनके सास ससुरे भी जो है दिखा देती हूँ मेरी बहन के, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है मैं व्लॉग करती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता। देखो बाजार में आ जा, खामोशी में बताती हूँ आप लोगों को। ये इन लोग का किचन है, इन लोग बना रहे हैं, इधर ये सफाई कर रही हैं। और ये मेरी बहन का बड़ा बेटा है रजा, रजा
और एक छोटा है, ये आया छोटा, ये छोटा है, ये है शोएब। शोएब एक तो फ्रेंड्स मैं पहले भी आई थी लेकिन मैं कैमरा लेके अंदर नहीं आई क्योंकि थोड़ा डर लग रहा था कि मैं ब्लॉग कैसे बनाऊंगी। यहाँ के हिम्मत नहीं हो रही थी, आज मैं थोड़ी बहुत हिम्मत कर ली और बना लिया। और अभी किसी से मिलवाने वाली थी लेकिन वो भाग गए। तो दिखाते हैं अपनी बहन का घर भी आप लोगों को। ये मुझसे बड़ी बहन है और जिनके यहाँ मैं आई हूँ वो मेरी सबसे बड़ी बहन है। हम तीन बहनें हैं, एक भाई है जैसे आप लोग जानते हैं। ये मेरी सेकंड नंबर की बहन है और जो मेरे बहनों ही लोग हैं तो मैं उनसे आप लोगों को इसलिए नहीं मिला रही हूँ कि एक दोनों से मैं ज़्यादा मतलब फ्रेंडली नहीं हूँ, ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ। तो मेरी इतनी हिम्मत ही है कि मैं आपको उन लोगों से मिलाऊँ। फिर भी आप मेरे बड़े भाईजन को देख चुके हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं सेकंड नंबर वाले भाईजन जो हैं मेरे छोटे भाईजन उनसे भी आपको ज़रूर मिलाऊंगी। तो फ्रेंड्स आए हैं खाना खाने, तो खाना खाते हुए मिलते हैं आपसे बाद में। सो फ्रेंड्स ये है मेरी बहन के ससुर और उनकी सास कहीं बाहर गई हैं फिलहाल। सो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं सोनी के घर से खाना खा के, और जी इसके बच्चे बहुत सता रहे थे, हमें बहुत सता रही थी, तो इसलिए मैं खाना खा के वीडियो नहीं बना पाई। और देखिए हानिया मम्मा, अरे मम्मा। सो फ्रेंड्स हो चुकी है रात, तो बाजी ने दिया है मुझे मावे का नान जो कि बहुत टेस्टी है, खवे का होता है ये, बहुत ही अच्छा बना है। और काफ़ी रात हो चुकी है तो हानिया देखिए किस तरह डांस कर रही है। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।